न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। खाना नहीं देने पर पति ने बेरहमी से पत्नी की हत्या, शव को सेप्टिक टैंक में छिपाया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पुलिस ने एक पति को अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पत्नी के मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की है। पति पर आरोप है कि उसने न सिर्फ बेरहमी से पत्नी की हत्या की बल्कि अपने जुर्म को छिपाने के लिए शव को घर के ही सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पत्नी की हत्या कर लाश सेप्टिक टैंक में छिपाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला बालोक नगर थाना क्षेत्र के रुमगरा बस्ती का है, जहां खाना देने को लेकर उपजे विवाद के बाद पति ने लाठी से पत्नी की हत्या कर लाश सेप्टिक टैंक में छिपा दी थी। मामले में धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरबा के बालकोट थाना क्षेत्र के रुमगरा बस्ती में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां खाना देने को लेकर उपजे विवाद के बाद पति ने लाठी से पीट पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद लाश सेप्टिक टैंक में छिपा दी थी। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब मृतका बुधवार बाई के भाई घर पहुंचे और संदेह होने पर सेप्टिक टैंक की जाँच की, तब बुधवार की शाम लाश उसमें पड़ी मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को सेप्टिक टैंक से बाहर निकाला, फिर मर्म पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी पति रविंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस की जांच अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पुलिस ने एक पति को अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पत्नी के मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की है। पति पर आरोप है कि उसने न सिर्फ बेरहमी से पत्नी की हत्या की बल्कि अपने जुर्म को छिपाने के लिए शव को घर के ही सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पत्नी की हत्या कर लाश सेप्टिक टैंक में छिपाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला बालको नगर थाना क्षेत्र के रूमगरा बस्ती का है, जहां खाना देने को लेकर उपजे विवाद के बाद पति ने लाठी से पत्नी की हत्या कर लाश सेप्टिक टैंक में छिपा दी थी। मामले में धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र के रूमगरा बस्ती में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां खाना देने को लेकर उपजे विवाद के बाद पति ने लाठी से पीट पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद लाश सेप्टिक टैंक में छिपा दिया था। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब मृतका बुधवार बाई के भाई घर पहुंचे और संदेह होने पर सेप्टिक टैंक की जांच की, तब बुधवार की लाश उसमें पड़ी मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को सेप्टिक टैंक से बाहर निकाला, फिर मर्ग पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी पति रविंदर वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस की जांच अब भी जारी है। कोरबा के SSP अभिषेक वर्मा ने बताया कि पति और पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था, जिसके कारण पत्नी पति से अलग रहती थी। हालांकि पिछले 2 महीनों से दोनों साथ रहते थे। बहरहाल मामले में अपराध कायम कर आरोपी की कोर्ट में पेश करने के बाद जेल दाखिल कर दिया गया है। पुलिस ने मृतका के मायके और ससुराल वालों दोनों ही पक्षों के बयान लिए। इसके बाद आगे की कार्यवाही की गई। पुलिस ने घटना के कुछ दिन भीतर ही मामले को सुलझा लिया। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।